नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं लाइव डेमो दिखाऊंगा रोज की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी, मैंने मेनली निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर का अभी दिखाऊंगा, तो और कुछ पेयर ट्रेडिंग का भी दिखाने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो का ये चैनल का सभी का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इसमें बहुत सारा वीडियोस है, इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू रेगुलर बेसिस पे देता हूँ और बाय सेल लेवल रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, तो वो सब और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। देखिए मैंने फाइल को मैंने अपडेट नहीं किया, तो ऐसा ओनली निफ्टी और बैंक निफ्टी को नीचे बैठा दिया, तो इसमें बैठा थे, इसमें फार्मूला ऑटोमेटिक ले लेता है जो लोग जानते हैं, तो इसी का हिसाब से मैंने बाय सेल लेवल्स दिखाऊंगा। तो फिर से एक बार आप लोग देख लेता है, अपडेट कर लेता है और एक बार कोरिलेशन पेयर ट्रेडिंग को भी देखता है कौन सा पेयर में सबसे चल रहा है। अच्छा, सन टीवी बजाजो 90 रूप का ऊपर है, नेस्ले ब्रिटानिया भी चलेगा, HPCL BPCL ठीक है, ठीक है, HPCL BPCL को देख लेते हैं, वो भी देख लेता हूँ। फिर मेरा नेट चला गया है। आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पसंद होगा तो लाइक कीजिए। इसका सभी नोटिफिकेशन, इसमें बहुत सारा वीडियोस है और ये इसका आप लोग जो यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक है, वो भी देख लीजिए। और जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहता है वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है। ये जो बाय सेल लेवल का कैलकुलेशन है और भी बहुत सारा चीज़ है इसमें, आप लोगों को मैंने ट्रेनिंग का इंतजाम किया हूँ बहुत ही कम कॉस्ट में। अच्छा एनी वे, तो मैंने इसका दिखाता हूँ, 9290 चल रहा है इसका। इसका लास्ट प्राइस चल रहा है, लास्ट इसका लो था इसका, तो 9277 हो गया था, ठीक है, इसमें 9277 हो गया है और इसमें अभी चल रहा है 9291 ठीक है। और इसमें फ्यूचर्स, ओनली फ्यूचर्स को दिखाता हूँ क्योंकि देर हो चुका है, मैंने रोज ही लेट हो जाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ, तो ठीक है, देखता है आगे से मैंने टाइम पे ही आप लोगों के सामने आऊँगा। 19561 उसके अंदर भी जो दिखाता हूँ आप लोगों को, होपफुली आप लोगों का मेरा जो वीडियोस तरीके इसमें काट कर रहा है, नेट का बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है और नेट का प्रॉब्लम तो अच्छा, तो मैंने देखता है 9347 के ऊपर इधर ये वाई दिखा रहा है, 19796 के नीचे सेल दिखा रहा है, 9311 के नीचे तो है ही, 9282 का नीचे सेल आएगा, ठीक है। ये लेवल मैंने नहीं ले रहा हूँ, मैंने जस्ट चेक करके देख रहा हूँ, उसके बाद फिर से देखूँगा और भी लेवल्स। इधर 9303 का ऊपर ये बाई आएगा, 19578 के ऊपर सेल आएगा, 9279 के नीचे सेल आएगा, ठीक है, 19544 के नीचे बैंक निफ्टी का सेल आएगा। और इधर से भी एक बार देख लेते हैं इसका क्या दिखा रहा है, वोलेटिलिटी बेस्ड जो लेवल्स है, इधर 9350 दिखा रहा है, बहुत ऊपर दिखा रहा है, ये भी नीचे दिखा रहा है, भी 82 का लेवल्स। और इसको देखते हैं एक बार क्या वो दिखा रहा है, 9306 दिखा रहा है, 19613 दिखा रहा है, ठीक है। और इधर नीचे 9379 तो इस लेवल को लेते हैं, ठीक है दोस्तों, 9306 के ऊपर वाई होगा निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर, 1613 के ऊपर वाई होगा,
टारगेट ये देख रहा है आप लोग 1665-9322, तो आप लोगों को बाद में टारगेट भी दिखा दूंगा। और नीचे ये 9275 का नीचे सेल होगा और 19509 के नीचे सेल होगा, ठीक है। और इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ओहो बहुत गिर गया है, ऑलरेडी गिर चुका है, ये बोलते ना बोलते ऑलरेडी गिर चुका है, ठीक है। इसको तो जो मतलब जो लेवल्स पर था वो ऑलरेडी गिर चुका है, ठीक है। इसको पे फिर से अपडेट कर लेता है, फिर से अपडेट कर लेते हैं। 9245 लो हुआ है, 9245 लो हुआ है, अभी 9296 बहुत देख रहा है। 9275 उसका था और ये 19509 था, तो इसका लेवल से कितना गिरा है आप लोग देख रहा है, ये 50 पॉइंट 100 पॉइंट का गिर चुका है। 9245 ये चल रहा है, 9254 और ये है, ये आ गया था 19421 और इधर 19447। तो जल्दी से दिखा लेते हैं आप लोगों को वाइसल लेवल, फिर से बाई का लेवल होगा 9270 का ऊपर, ठीक है, और 19500 के ऊपर। और सेल का लेवल होगा 1394 के नीचे बैंक निफ्टी और 1938 के नीचे निफ्टी फ्यूचर, ठीक है। तो देखते हैं, कौन सा साइड में जाता है। और BPCL नेट में बहुत ही प्रॉब्लम आता है दोस्तों, काट हो रहा है। चलेगा तो कैसे काम होगा। BPCL HPCL HPCL तो नहीं लेगा, इंट्रेट्रो दोस्तों। ये पेयर ट्रेडिंग इंट्राडे में बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है और इसमें भी काम करता है। इसको डेढ़ गुना जो है, इसका डेढ़ गुना ज़्यादा इनपेक्टो जो BPCL जो स्टॉक्स लेगा, ये इसका डेढ़ गुना ज़्यादा लेना पड़ेगा। सोच लीजिए 1000 क्वांटिटी लिया, ये 1500 क्वांटिटी लिया और इसको सेल करना है, इनपेक्टो को सेल करना है और BPCL को बाई करना है, ठीक है। 216 में शायद आप लोग इनपेक्टो को सेल किया है और 348-75-70 में इसको बाई किया है, ठीक है। 348-75-216 में इसको सेल किया और इसको 375 में बाई किया है, देखते हैं उसमें क्या आता है। और इधर देखिए क्या हो गया है, निफ्टी का तो आया नहीं है, बैंक निफ्टी का ये 38 का नीचे लेगा, ये देखिए 394 के नीचे इसका सेल लग गया है। इसका आने वाला है 342 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 239, ठीक है। ये तक देखते हैं ये कितना दूर तक आया है, ये 394 के नीचे 382 तक आया था, देखते हैं, बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहा है। इससे 40-50 पॉइंट ऊपर चला गया, देख लेते हैं एक बार।
382 तो हो चुका था। ठीक है, लगता है 382 के नीचे भी से आएगा। ये इतना प्रॉब्लम कर रहा है, इसको सील किया है, इसको बाई किया है, इसमें सेलिंग में 60 पैसा लूज है। सोच लीजिए, इसको 1500 क्वांटिटी सेलिंग है और इसमें सॉरी हाँ 1500 इसमें 1000 क्वांटिटी बाइंग है। तो देखते हैं, 10 से 1 रुपीस 30-50 रुपीस प्रॉफिट है, मतलब लगभग सही सही चल रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी फ्लक्चुएट कर रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी देखते हैं। इसका सेल लेवल अभी तक आया नहीं, 9238 का नीचे इसका सेल लगा लेवल आएगा। बैंक निफ्टी भी इससे नीचे आ रहा है। फर्स्ट में आ सकता है 342। ये देखिए दोस्तों, ये वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स है। ठीक है, एक्चुअली इधर वोलेटिलिटी, इसमें वोलेटिलिटी मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इसमें देखे उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का इसे कर लेता है, उसके बाद ये फिबोनाची इसके गान लेवल्स को निकालना पड़ता है। आप लोग इसमें लेंगे तो आप लोगों को भी सिखाया जाएगा। और इसका बाई का लेवल जाएगा 1900 के ऊपर और 9270 का ऊपर। ठीक है, बाई का लेवल जाएगा और सेल का लेवल तो 394 लाख गया, 82 तक आया था, देखते हैं। और इधर 93 इसका सेल लेवल अभी तक आया नहीं है। ऑलरेडी एक डिप आ गया था उधर 9275 से, और ये 19000 समथिंग कितना था मेरा याद नहीं है। तो ऑलरेडी दिखा था आप लोगों को, डीप आ गया था। ठीक है, मैंने फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें क्या होता है। ये देखिए 9238 के नीचे ये 9226 आ गया है, और इधर 9360-356 आया है, जा रहा है इसका टारगेट है 342। फर्स्ट टारगेट है 342, देखते हैं। 355 हो चुका है, 355 हो चुका है, और इसका पहला टारगेट था इसका 9238 9 9 2 9 2 2 2, तो लगभग दोनों ही टारगेट के आसपास आ गया था। 9 2 9 2 2 2, ये 9 2 2 1 इसका टारगेट लग गया था, मतलब निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का जो है थोड़ा सा 342 था, 394 से 342 तक था, 395 तक आया है, और इधर आया है 9221 आया है। देखते हैं और भी इसका लेवल नीचे आता है क्या नहीं आता है। इसका ऊपर बाई का लेवल है। ठीक है, और इधर देखिए हिंद पेट्रो को सेल किया है 216 में, एक ही सेम चल रहा है, दोनों ही एक ही प्राइस एक ही साथ मूवमेंट कर रहा है। और शांति भी बजाज ऑटो भी अच्छा चलता है, इसको बजाज ऑटो को बाई करना है, शांति भी को सेल करना है 2420 में और 379 में, इसको बाई करना है और इसको सेल करना ना इसको बाई करना है 2420 पे, 3379 पे सन टीवी को। क्वांटिटी आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, 8 गुना ज़्यादा रखना पड़ेगा सन टीवी को। और एच डी एफ सी भी किया जा सकता है, इसको दो गुना एच डी एफ सी बैंक को 2 गुना ज़्यादा रखना पड़ेगा, इसमें एच डी एफ सी बैंक को बाई करना पड़ेगा और एच डी एफ सी को सेल करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी तरह से पेयर ट्रेडिंग काम करता है, जो लोग आर्बिट्रेज पसंद करता है या सेफ ट्रेडिंग पसंद करता है तो इसमें आप लोग इसको अपना सकता है।
इस आर्बिट्रेज के लॉन्ग ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही पेयर ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देता है। मेरा इधर जो बना के रखा हो इसमें आप लोग को तो कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना है वो तो दिखेगा ही, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में इसमें कौन सा स्टॉक्स को बाई करना है कौन सा स्टॉक्स को सेल करना है वो भी आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर से मैंने एक बार एक टारगेट तो लग गया है, फिर से एक बार अपडेट कर लेता है प्राइस को। 9221 इसका लो बना है, 9221 मैंने न्यू मतलब सेटअप बाय सेल लेवल सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इधर देखिए 19,400 कितना 19,395 हुआ था और अभी चल रहा है 19,425। मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गया है इससे। इधर 9221 और 9255 देखिए कितना ऊपर गया था 9420 फिर से 200 पॉइंट ऊपर खुल के ये कितना नीचे आया है 9420 9221 कल का नीचे इसका लो आ गया है। तो कल मार्केट नीचे ही जाने वाला था, जो लोग सेल करके रखा था उन लोग अच्छा नेक्स्ट सेटअप मतलब जो बाई सेल लेवल्स आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, न्यू बाई सेटअप बाई सेल लेवल्स जो अपडेटेड है। लाइव मार्केट में टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है। इधर है आप लोग को 19,442 के ऊपर आप लोग बाई कर सकता है, 460-496 तक जा सकता है और 9260 के ऊपर, सॉरी ये लेवल नहीं है, मैंने गांधी ब्रिज का लेवल दिखाता हूँ, 19,478 के ऊपर बाई हो सकता है, 531 तक जा सकता है, 9271 के ऊपर बाई हो सकता है, 9287 9221 तक जा सकता है और सेल में फिर से आएगा 19,372 में फिर सेल कर सकता है, 19,319 तक आ सकता है, 19,215 तक आ सकता है, 9239 के नीचे 9223 तक आ सकता है। इतना आप लोग टारगेट नोटिस कर लीजिए कौन सा लेवल आता है, तो देखते हैं तो 19,372 और ये 9239 लगता तो है नीचे आएगा, सही भी 30 का नीचे आने का कोशिश कर रहा है, सपोर्ट ले सकता है 640 का सपोर्ट, हाँ 300 में 316 316 में एक सपोर्ट है, इसके बाद 295 इसके बाद मैंने कितना लेवल आप लोग को दिया था 372 के नीचे आया, हाँ 372 के नीचे आया है, देखते हैं 372 के नीचे ये आ सकता है, 319 तक आ सकता है। ठीक है, और ये 9239 ये तक आया क्या नहीं आया देखना पड़ेगा, हाँ ये भी दोनों भी लग चुका है, इससे देखिए इसका कितना टारगेट लगता है, कितना तक हम लोग ट्रेड कर सकता है, कितने बार ट्रेड कर सकता है, दोनों ही इससे ऊपर चला गया, देखता है फ्लक्चुएट होता है। इसका वोलेटिलिटी भी बहुत बढ़ चुका है और इधर इंट्राडेक्स कितना चल रहा है, लगता है ऊपर चढ़ा गया, इसका वजह से इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है। इसका वजह से इसका इतना फ्लक्चुएशन हो 43.52 कल 43.67 था, आज 43.52 दिखा रहा है, हाई था 43.67
अच्छा 38 तक नीचे आया था, फिर से इसका वही का है, बढ़ गया, ठीक है। अच्छा ऑप्शन चेन को भी एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन चेन नीचे आना वाला है क्या नहीं है, देख लेते हैं। आएगा तो कितना दूर तक आ सकता है, इसका पीसीआर रेशियो कहाँ पर आया है, 13-17 तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इधर तो शॉर्टिंग हो रहा है 9390, 9250 का नीचे 9200 में भी शॉर्टिंग हो रहा है, और इधर सपोर्ट है 9000 में तो सपोर्ट है, लेकिन फिलहाल कितना दूर तक आ सकता है 9200 में, इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट है, लेकिन इधर शॉर्टिंग भी ज़्यादा हो रहा है, इधर भी शॉर्टिंग, कॉलिंग भी कॉल साइड में, कॉल साइड से ज़्यादा पुट साइड में शॉर्टिंग जा रहा है, तो 9200 का नीचे जाना मुश्किल है, और 9200 का नीचे जाएगा तो 9100 उसके बाद 9000 आ जाएगा, मतलब 9200 का नीचे जाएगा तो सोच ले सकता है कि 9000 के आसपास आ जाएगा, और इधर ऊपर तो 9300 9400 इसमें सपोर्ट दिख रहा है, इधर भी शॉर्टिंग हो रहा है, लेकिन इधर भी शॉर्टिंग हो रहा है, 9500 तक इसका जा सकता है, 9500 का ऊपर जा सकता है, उसका ऊपर जाएगा तो, लेकिन नीचे जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है अभी। और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का तो 19300 शॉर्टिंग कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, कॉल शॉर्टिंग तो इधर हो रहा है 19000 तक, लेकिन इधर भी शॉर्टिंग हो रहा है, इधर चेंजिंग, इधर ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन 19300 का लेवल में, 300 का लेवल पे भी इसका शॉर्टिंग ज़्यादा हो रहा है, तो 19300 का नीचे देखते हैं, 19300 के नीचे जाता है या नहीं जाता है, थोड़ा सा 300 है, 19300 का नीचे जाना। इधर देखिए, इसको सेल किया था, इसको बाई किया था, ये ऑलमोस्ट 2 रुपीस गेन हुआ है, इधर BPCL में ऑलमोस्ट 2 रुपीस गेन हुआ है, और सेलिंग में ऑलमोस्ट 2 रुपीस लॉस हो गया है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको आप लोग 2 रुपीस इधर ही आप लोग स्टॉप लॉस रख देंगे, तो इसके बाद देखता, एक मिनट सोच लीजिए, इसका नहीं 2 रुपीस में नहीं आएगा, इसका लिस्ट 207 या 305, अभी जब वोलेटिलिटी चल रहा है लिस्ट 3 रुपीस लगना पड़ेगा, अभी इतना देर से, मतलब सुबह से कर सकते थे तो अच्छा होता था, तो इतना देर से नहीं आएगा शायद, देखते हैं। वो भी 9300 और ये 300 के आसपास आ सकता है, लेकिन 300 का नीचे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, जाएगा तो इसका तो आप लोग को देखा दिया 295, इसका 300 के नीचे जाएगा तो 215 भी आ सकता है, और ये 9223 का नीचे जाएगा तो इसका 9192 में आ सकता है, देखते हैं क्या होता है। तो 395 के नीचे आया नहीं है, ठीक है, अभी हम लोग ट्रेड पे है, इसका जो बाई का लेवल है 500, तो उसी का आसपास हम लोग को, मतलब 472 सा हम लोग स्टॉप लॉस रखना है, फिर से नीचे आ रहा है, देखते हैं। वो भी 9239 के नीचे आया था, फिर से ऊपर गया था, देखता है। दो बार आप लोग को अच्छा ट्रेड दिखा दिया, देखता है इस टाइम थर्ड टाइम क्या होता है। 345, 346, 339 हो गया, इसका 319 टारगेट है, 342 से 339 आया है,
देखता है मार्केट बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहा है, आसपास आने का कोशिश करेगा, लेकिन इसमें शॉर्टिंग भी है सपोर्ट जो, लेकिन 300 का नीचे जाएगा तो ये बहुत ही नीचे आ सकता है, बहुत ही नीचे मतलब 120 पॉइंट फिर से और भी आ सकता है। फिलहाल 319 का नीचे जाएगा तो 215 तक दिख रहा है, तो 215 नहीं तो एटलीस्ट 250 230 40 तक आना चाहिए जाएगा, तो देखता है 339 तक आया था। इधर दोनों साइड में 3 रुपीस करके स्टॉप लॉस, कुल रखने कितना स्टॉप लॉस रखेंगे इधर से पता चलता है। अरे यार नेट इतना क्यों कर रहा है, बैंक निफ्टी का जो चल रहा है अभी लगभग 50 पॉइंट का एक साथ मूवमेंट हो रहा है, 52-53 पॉइंट, और निफ्टी का जो दिखाता है नेट में इतना प्रॉब्लम आ रहा है ना। इसमें 32-17 मतलब इसका निफ्टी का 15 पॉइंट का हिसाब से दौड़ रहा है, और इधर इधर कितना स्टॉप लॉस रखेंगे बीपीसीएल को, एक मिनट रुकिए दोस्तों।
तो दोस्तों आप लोग देख सकता है कितना दूर तक आ गया है मैंने। इसका 319 तो फर्स्ट टारगेट लग गया, 19,319। उसके बाद 215 है, लेकिन 215 मैंने बोला था 19,250 तक आ सकता है। और इधर भी 9200 का आना मुश्किल है। 9223 फर्स्ट टारगेट तो लग गया है, इसमें 9200 के नीचे जाएगा तो 9192, उसके बाद 9266 तक आ सकता है। ये 215 का नीचे जाएगा तो 113 भी आ सकता है। तो देखता है, ये 211 तक आ गया है और ये 9206 तक आया है। तो आप लोग भी देखिए, और मैंने तो 3 बार बड़ा प्रॉफिट आप लोग को दिखा दिया, तो देखते हैं आप लोग को। और इधर पेयर ट्रेडिंग में एक्चुअली सुबह से देखना पड़ता है, ये लास्ट मोमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन पेयर ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छा, ये दोनों एक ही साथ मूवमेंट हो रहा है। ये 2 पॉइंट गिर रहा है तो वो भी 2 पॉइंट गिर रहा है। तो इधर क्या करना पड़ता है कि सूटेबल माने मतलब जितना वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी का बेसिस पे इसका स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। तो ये इसका BPCL में 2 पॉइंट नहीं, 352, 71, 354, 352, 352, 354, 17, मतलब इसका 50, इसका 2 गुना देखे तो 1.5 पॉइंट। इसमें BPCL में 1 पॉइंट और इसमें सॉरी इसमें 1 पॉइंट और BPCL में 2 पॉइंट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, तो आप लोग को प्रॉफिट आ जाएगा। इसको आप लोग ऑब्जर्व करते रहिए। देखिए, इसमें 1 पॉइंट और इसमें 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को प्रॉफिट दिखा, सोच लीजिए मैंने 216 से इसको सेल करने के लिए बोला था, इसमें एक पॉइंट का स्टॉप लॉस 217 में लग चुका था, ठीक है। तो इधर ये 351 तक गया था, 348 से इधर 3 पॉइंट आप लोगों को प्रॉफिट हुआ था। मैंने मैंने जब से बोला था, तो आप लोग कैंडलस्टिक भी चेक कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोग जब रिवाइंड करके देखेंगे आप लोगों को दिख जाएगा। ये 19,200 के नीचे 180 तक आ गया है, और ये 9295 तक आया है, 9192 तक आया नहीं है, ठीक है। तो इसका देखिए, इधर अभी निफ्टी मेरा जो लगता है अभी जोर गिनने वाला है। मैंने बाद में निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू आप लोग को दूंगा। आप लोग जानते हैं, जो लोग मेरा चैनल रेगुलर फॉलो करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब बटन दबा के रखिए। आप लोग को बहुत ही एडुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ बहुत सारा लेवल्स आप लोग को मतलब बहुत सारा चीज़ आप लोग को दिखाऊंगा, आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। जो आप लोगों को ये और जो ये जो मैंने कैलकुलेट करके निकालता हूँ, ये जो लेवल्स ये मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम में रखा है, आप लोग यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकता है। और बेल आइकन को जरूर दबाएगा आप लोग को पसंद आएगा तो अभी ये चाहता हूँ। धन्यवाद।